हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ अपने जो है ब्लाउज़ का कलेक्शन है वो शेयर करने वाली हूँ। जो भी जितने भी ब्लाउज़ मैंने आज इस कलेक्शन में ऐड किए हैं, ये सारे के सारे जो है मीशो से हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी है। और मैं आपके साथ जितने भी ब्लाउजेज़ दिखाने वाली हूँ वो सारे के सारे जो है अंडर 500 के हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल है और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सारे आपको इसमें जो है कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। वाली वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वाले जो ब्लाउजेज हैं ये आपको किसी ना किसी जो है ओकेजन में या फिर आपको डेली वेयर की साड़ीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके आप इन्हें वेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात करूँ अपने फर्स्ट ब्लाउज की, जो हमारा जो फर्स्ट ब्लाउज है वो है कुछ इस तरह का मैरून कलर में। और ये जो कलर है ये एक बेसिक सा कलर है, हर किसी के पास इस कलर की जो साड़ीज हैं या फिर जो इससे मैच होती हो इस प्रकार की जो है साड़ी होती है। और ये वाला जो है इसमें मैरून कलर का है और पूरे में जो है आपको इसमें गोल्डन जो है इस तरह की पुट्टीज है वो मिलेगी। तो मैरून एंड गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारी साड़ियों पे या फिर जो आपको अगर थोड़ी सी जो है पार्टी वेयर साड़ीज या फिर जो अगर कुछ छोटे मोटे फंक्शंस हैं उसमें आप वेयर करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। काफ़ी सिंपल सा ब्लाउज है, नेक पे आपको जो है इस तरह की इसमें जो है पाइपिंग मिलेगी गोल्डन कलर की, पूरे में बैक एंड फ्रंट दोनों ही साइड्स में। स्लीव्स आपको इसमें जो है हाफ मिलेगी, ये स्लीव्स है इसमें जो है पहले से ही अटैच होके आई थी। स्लीव्स पे भी आपको जो है इस तरह की लेस मिलेगी। और ये वाला जो ब्लाउज है ये एक पैडेड ब्लाउज है, इसमें जो मेरा साइज़ है ये 38 है जो कि मुझे परफेक्टली जो है फिट आया था। देन बैक की साइड आपको जो है इस तरह के का कुछ पैटर्न मिलेगा और पीछे की तरफ जो है आपको इस तरह के हुक्स हैं वो मिलेंगे। नेक है जो बैक का वो भी ज़्यादा डीप नहीं है तो आप कंफर्टेबली इसे पहन सकते हैं। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी जिस प्राइस पे मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। फैब्रिक जो है इसका ये आर्ट सिल्क जैसा है, थोड़ा सा जो है शाइन वाला फैब्रिक है। तो ये वाला ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है अगर आपको कुछ बेसिक से ब्लाउजेज लेने हैं। और इसमें आपको जो है कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आपको मैरून के साथ नहीं जाना तो आप कुछ अदर जो कलर है उनको चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस वाले ब्लाउज़ को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको लाइनिंग है वो कॉटन की मिलेगी अंदर मैरून कलर की, जिसका फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो ब्लाउज़ है मेरे पास जो है काफ़ी टाइम से है, मैंने इसे बहुत बार वेयर भी किया है, वॉश भी किया है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो एज इट इज़ है। तो मेरी तरफ से तो इस वाले ब्लाउज को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। देन बात करो अपने नेक्स्ट ब्लाउज की, जो नेक्स्ट जो है हमारा वो कुछ इस तरह का ब्लाउज है। ये ऐसा एक ब्लाउज है, अगर आपको किसी भी सिंपल साड़ी के साथ इसे पहनेंगे ना तो काफ़ी ब्यूटीफुल और थोड़ा सा जो है डिजाइनर सा लुक आने वाला है, क्योंकि ये ब्लाउज पीस काफ़ी डिजाइनर है। इसका नेक है वो काफ़ी अच्छा है कुछ इस तरह का। और ये वाला ब्लाउज भी मेरे पास जो है काफ़ी दिनों से है और मैंने इसे भी काफ़ी जो है साड़ीज वगैरह के साथ वेयर किया हुआ है। इसका जो कलर है कुछ इस तरह का है, ब्राउन कलर का डार्क, और इसमें जो है आपको इस तरह की गोल्डन कलर के फ्लावर पिंक ऑरेंज का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जो है डार्क पे लाइट कलर काफ़ी जो है ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगेन ये वाला ब्लाउज है, ये भी पैडेड ब्लाउज है और इसमें भी मेरा जो वो है सेम साइज़ है। नेक के पास आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, देन बैक में आपको इस तरह की जो है ये पट्टी मिलेगी जो कि आप पीछे की तरफ इसे अटैच कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, आप इसे हुक लगा कर कहें जितनी भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसमें भी जो है आपको बैक की साइड आपको ये जो है हुक मिलेगी। नेक है बैक का वो भी जो है मीडियम सा है, ज़्यादा जो है डीप नहीं है। फ्रंट का नेक है कुछ इस तरह का, फैब्रिक इसका भी जो है अगेन आर्ट सिल्क है, तो आप किसी भी पार्टी वेयर साड़ीज के साथ इसे मिक्स एंड मैच करके वेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है पीछे की तरफ कुछ इस तरह की लाइनिंग है वो मिलेगी कॉटन की। और ऑल ओवर बात करूँ तो इस वाले ब्लाउज़ की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मैंने बहुत बार इसे जो है वेयर कर रखा है। इसकी क्वालिटी जो है एज इट इज़ है। इन सभी का जो है कोड मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मीशो पे जो है आपको प्रोडक्ट लिंक नहीं मिलते, कोड मिलते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको और भी जो है कलर ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको इसके साथ नहीं जाना तो आप और जो अदर कलर है उनको भी चूज कर सकते हैं। मूव ऑन आवर नेक्स्ट ब्लाउज। तो नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है कुछ इस तरह का, वाइट कलर में। और ये वाला जो पैटर्न है आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, ये वाला जो पैटर्न है ब्लाउज़ का काफ़ी ट्रेंड में है। इसका नेक कुछ इस तरह का है, दिखने पे थोड़ा सा डीप लग रहा है लेकिन उतना डीप भी नहीं है। और इस पे जो है पूरे इसका जो फैब्रिक है वो आर्ट सिल्क का है, पूरे पे जो है आपको इस तरह के गोल्डन कलर का जो ये जो सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड का वर्क है वो मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा जो शाइन है इसकी आ रही है। इसमें भी जो है आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। और बैक की साइड बात करूँ तो बैक आपको कुछ इस तरह का मिलेगा,
ये वाला जो पीस है ये भी जो है आप किसी भी सिंपल साड़ी के साथ वेयर करेंगे ना तो काफ़ी जो है अच्छा लुक प्रोवाइड होगा आपको, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बात करूँ इसके साथ जो आपको बैक की साइड आपको इस तरह के जो हुक्स है वो मिलेंगे। इस ये वाला जो ब्लाउज है ये भी अगेन जो है पैडेड ब्लाउज है, और अंदर की तरफ आपको इसमें इस तरह की कॉटन की जो है लाइनिंग मिलेगी। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जो है इसमें कलर ऑप्शन भी है, और मेरे पास जो है वाइट कलर में कुछ नहीं था तो मैंने वाइट कलर में लिया है। अगर आपके पास और कुछ कलर नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो इन ब्लाउजेज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इन ब्लाउज़ के साथ आपको जो है अंदर जो है स्लीव्स अटैच मिलेगी। अगर आपको स्लीवलेस नहीं वेयर करना है तो आप उन स्लीव्स को जो है अटैच करा सकते हैं। मैंने जो है बहुत सारे जो ब्लाउज़ है वो वेयर कर रखे हैं तो इसलिए मैंने उनकी स्लीव्स है उनको हटा रखा है। इसलिए बात करूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की, जो नेक्स्ट है वो है कुछ इस तरह का ब्लू कलर में। मैंने इस हॉल में जो है सारे ही कलर इंक्लूड करने की कोशिश की है जो जो मेरे पास था उनमें से। तो इस वाले का पैटर्न है उन सब से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको जो नेक है कुछ इस तरह का मिलेगा फ्रंट की साइड ऐसा, और हाफ में आपको इस तरह की नेट मिलेगी। नेट भी जो है काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक की है, और ये इन सभी ब्लाउजेज से जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। इन सभी से जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, एंड इसका फैब्रिक भी जो है आर्ट सिल्क का है। बैक की साइड की बात करूँ, बैक आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ये यहाँ पे जो है क्लोज करने के लिए है, कुछ इस तरह का लुक आएगा बैक की साइड भी। और ये वाला जो ब्लाउज है इसमें भी आपको जो है अटैच स्लीव्स मिलेगी कुछ इस तरह की। अगर आप स्लीवलेस नहीं वेयर करना चाहते तो आप ये जो है स्लीव्स इनको अटैच करा सकते हैं। अंदर की साइड इसमें आपको ब्लू कलर की लाइनिंग मिलेगी। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, जिसके जिस प्राइस पे मिला है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इस तरह के ब्लाउज है जो आपकी साड़ी को एक थोड़ा सा जो है डिफरेंट सा लुक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिजाइनर सा या फिर जो कुछ इस तरह के ब्लाउजेज वेयर करते हैं किसी सिंपल साड़ी के साथ भी तो काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है। ये ब्लाउज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और ये अगेन जो है पैडेड ब्लाउज है। इसमें भी मेरा साइज 38 है जो कि मुझे परफेक्टली फिट आया है। तो मेरी तरफ से इस वाले ब्लाउज को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। कि जो हमारा नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है कुछ इस तरह का ब्लैक कलर में, और इसमें जो है पूरे में आपको इस तरह का सीक्वेंस का वर्क है वो मिलेगा। काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, और फैब्रिक जो है आर्ट सिल्क है, लेकिन इस पे पूरे पे जो है आपको इस तरह के सीक्वेंस मिलेंगे छोटे छोटे, जो कि स्किन पे बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं पहनने पर। और सबसे अच्छी बात जो इस ब्लाउज की लगी है वो है इस तरह का नेक लाइन। इसका जो नेक है वो काफ़ी अच्छा है, ऊपर से जो है काफ़ी अच्छी शेप आती है इस तरह का। बैक की साइड भी आपको जो है थोड़ा सा डीप नेक मिलेगा, और साथ में जो है अटैच ये डोरीज है ये मिलेगी टाई करने के लिए। ओवरऑल ये वाला जो ब्लाउज है फिटिंग वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और अंदर की तरफ इसमें भी है आपको ब्लैक कलर की इस तरह की लाइनिंग मिलेगी। और ये वाला ब्लाउज है ये अगेन पैटेड ब्लाउज है, इसमें भी जो है आपको साथ में जो है इस तरह को इस तरह की छोटी छोटी जो स्लीव्स हैं अटैच वो मिलेगी। अगर आपको स्लीवलेस वेयर नहीं करना तो आप जो है स्लीव्स को लगा के जो है वेयर कर सकते हैं। ओवरऑल इस वाले ब्लाउज़ की बात करूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपको इस तरह के ब्लाउज सीक्वेंस वाला कोई भी लेना है तो आप इस वाले ब्लाउज के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इसमें और भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो मिल जाएंगे। देन बात करूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की, जो नेक्स्ट है वो मैंने थोड़ा सा इनसे अलग फैब्रिक में ट्राई किया था। तो ये वाला जो है कुछ इस तरह का फैब्रिक है, लायरा फैब्रिक है, और इसमें भी जो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। जो फ्रंट की साइड है आपको कुछ इस तरह का नेक मिलेगा। यहाँ पे एक बटन था जो मैंने अब ट्राई ऑन पार्ट किया तब उसमें वेयर किया था, तो ये टूट गया। यहाँ से कुछ इस तरह का नेक है फ्रंट की तरफ से, एंड बैक जो है कुछ इस तरह का है इसका। इसका फैब्रिक भी जो है काफ़ी सॉफ्ट है, और इस तरह के जो ब्लाउज है ये भी आपकी किसी भी कॉटन की साड़ी के साथ काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। इसमें स्लीव से आपको 3-4 स्लीव्स मिलेगी। स्लीव्स अगेन जो है इस तरह के नेट के फैब्रिक में है। ये वाला फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट नेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला, बिल्कुल भी खड़ा खड़ा सा फैब्रिक नहीं है। एंड बात ये वाला जो है अगेन काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और ये वाला जो ब्लाउज है ये पैडेड ब्लाउज नहीं है, तो इसके नीचे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस वाले ब्लाउज़ की क्वालिटी की बात करूँ और इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। कपड़ा जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, अगर आप इसमें जो एक साइज़ अपना कम भी बाय करेंगे तो भी आपको जो है अच्छे से फिट होने वाला है। तो मेरी तरफ से इस वाले ब्लाउज को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। देन बात करूँ अपने नेक्स्ट ब्लाउज की, जो नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो है कुछ इस तरह के लाइट ब्लू कलर में। ये कलर भी जो है काफ़ी अच्छा है। इस तरह के ब्लाउजेज भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे। ये एक सिंपल सा जो बेसिक सा ब्लाउज है कुछ इस तरह का है। इसमें भी आपको जो है स्लीव्स मिली थी।
अगर आपको स्लीव्स अटैच करानी है तो करा सकते हैं। नेक कुछ इस तरह का है आपका, थोड़ा सा डीप है, राउंड शेप में है। बैक की साइड भी आपको जो है कुछ इस तरह का है। बट जो ये स्लीव्स, ये वाला जो ब्लाउज है, वेयर करने के बाद जो बॉडी की जो शेप है वो काफ़ी अच्छे से आती है। और इसका जो ये नेक का पैटर्न है या फिर जो ये नेक का जो ये कर्व है, ये थोड़ा सा सीमलेस सा लुक भी देता है और काफ़ी जो है अट्रैक्टिव भी लगता है इस तरह के ब्लाउजेज। अगर इस तरह के आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसके साथ जो है आपको इस तरह की स्लीव्स छोटी छोटी वो भी मिलेगी, आप उन्हें भी अटैच करवा सकते हैं। इसमें भी जो है लाइनिंग आपको ब्लू कलर की मिलेगी, कॉटन की है। और अगेन ये वाला जो ब्लाउज है ये भी पैडेड ब्लाउज है। फैब्रिक जो है इसका आर्ट सिल्क है और पहनने पे जो है काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगता है, बेसिक सा है। इसमें जो है आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे और अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप इस तरह के ब्लाउजेज वेयर करना चाहते हैं तो आप इस वाले ब्लाउज के साथ भी डेफिनेटली जा सकते हैं। देन बात करूँ अपने जो है लास्ट ब्लाउज की, जो हमारा लास्ट जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरह का है, गोल्डन कलर में। गोल्डन ब्लाउज भी जो है हम सभी के पास एक दो पीस जो है हमेशा होते हैं, क्योंकि ये वाले जो ब्लाउज है, ये जो कलर है, ये काफ़ी मस्ट होता है, बहुत सारी साड़ियों के साथ आपके साथ जो है मिक्स हो जाता है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं पहनने पर। और ये वाला जो ब्लाउज है अगेन मैंने जो है सीक्वेंस में लिया है, इसे थोड़ा सा जो पार्टी वेयर सा लुक है वो आ जाता है। नेक की बात करूँ, नेक कुछ इसमें इस तरह का मिलेगा, थोड़ा सा वी शेप में और ज़्यादा डीप नहीं है। ये अगेन जो है पैडेड ब्लाउज है। फ्रंट की साइड आपको कुछ इस तरह की जो है पाइपिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। स्लीव्स भी इसमें आपको अटैच होके आई हैं, शॉर्ट स्लीव्स हैं। और बैक भी जो है आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, बैक पे भी जो है आपको इस तरह के हुक्स हैं वो मिलेंगे कुछ इस तरह का। और क्वालिटी इसकी जो है सेम सभी के जैसी है, काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी है। अंदर की तरफ आपको इसमें कॉटन की जो है लाइनिंग मिल जाएगी और पीछे की तरफ इस तरह की जो है डोरी भी अटैच मिल जाएगी। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है काफ़ी बेसिक सा है और काफ़ी अफोर्डेबल है, तो इस वाले ब्लाउज को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अपने चैनल पे मीशो के और बहुत सारे हॉल भी जो है शेयर कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को चेक नहीं किया तो जाके जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे और चैनल थोड़ा भी पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।